नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे LIC ADO का जो हुआ रिक्रूटमेंट, वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है सारे सारे डिवीज़नों का। कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगा जिनका नहीं हुआ है और जिनका हो गया उन लोगों के लिए। तो जिनका नहीं हुआ पहले मैं उनके बात करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा हैं, परेशान हैं और उनको दिक्कत हो रही है। पहले मैं कुछ बातें बता दूँ कि जिनका नहीं हुआ निराश ना हो। वो आपका फाइनल सिलेक्शन तो अब फिलहाल आपका नहीं हुआ लेकिन चांसेस अभी भी है। और जिनका हो गया है वो उनके बारे में भी कुछ बता दूं कि देखिए वो मेडिकल के बाद अभी मेडिकल करेंगे और उसके बाद एक बॉन्ड की प्रक्रिया है उसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बॉन्ड है। 3 लाख का लमसम है और 4 से 4 लाख का है और ट्रेनिंग को इंक्लूड करें तो 5 साल का बॉन्ड है। तो इसको देखते हुए हो सकता है बहुत से जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है तो वो ज्वाइन ना करें, क्योंकि देखिए जो भी इंसान जो इस लेवल तक पहुंचा है उनकी तैयारी हो, वो तो इस झमेले में ना फंसना चाहेगा क्योंकि इसमें बॉन्ड भी है, टर्म्स कंडीशन टारगेट बेस्ड है, मार्केटिंग फुल मार्केटिंग है, सीटिंग जॉब तो है नहीं, तो और परमानेंट जॉब ही नहीं है। हो सकता है 2-3 साल के बाद आपको निकाल दिया भी जाए। तो इसी को सब को देखते हुए हो सकता है कि इसमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ और भी बन सकता है और वेटिंग लिस्ट में कईयों का नाम भी आता है जनरली, और इसीलिए बॉन्ड इसका 3 लाख कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पहले हुआ करता था 25,000 पहले बॉन्ड हुआ करता था, है ना। तो 25,000 जब बॉन्ड हुआ था तो सारे बच्चे इसको छोड़ देते। क्यों क्यों छोड़ देते थे? कि एक तो इनका सबसे पहले टारगेट बेस्ड ये आपको है कि आपको 6 टाइम्स जो है आपका 6 टाइम्स वो आपका सैलरी से एक टारगेट मिलेगा। जितना आपका सैलरी उससे 6 गुना आपको मार्केट मतलब से आपको इनको बिजनेस ला के देना होगा। मतलब मान लीजिए आप कि मान लीजिए एवरेज अगर आप किस एनुअल है आपकी 6 लाख का पैकेज है, 6 लाख का, तो आपको तकरीबन 36 लाख इनको देना पड़ेगा। ये ऐसा इनको बोला गया है जो जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। तो ये है टारगेट बेस है, हो सकता है आप ना दें तो ना कर पाएँ तो आपको हालांकि 1 साल के बाद आपको एक्सटेंशन मिलता है 3 महीने का, और एक बार मिलता है 3 महीने का, तो 2 बार ही एक्सटेंशन मिलता है। फिर भी आप ना कर पाएँ तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा जॉब से। तो ये परमानेंट जॉब तो पहली बात है नहीं। तो जो एस्पिरेंट इसे सोच के एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि हाँ वो गवर्नमेंट में आ गए हैं अब रिलैक्स, तो वो ऐसा उस टाइप का जॉब नहीं है। और रही बात कि जो नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि मैं ईस्ट सेंट्रल जोन से था और जो हजारीबाग से था मैं, तो आप देख सकते हैं जो जनरल का है सीट्स SC ST और OBC सब का यहाँ दिया हुआ है, टोटल 91 सीट्स थे। और इसमें क्या दिक्कत हुई है, इसमें एजेंट कैटेगरी के और एम्प्लॉय कैटेगरी के भी सीट्स इंक्लूडेड हैं जो बहुतों को पता नहीं था, है ना। तो उनकी सीट चल गई है खाली। अब जैसे कि मान लीजिए SC का 2 है और 3 है बैकलॉग और करेंट, मतलब टोटल 5 सीट। लेकिन अगर आप देखिएगा इसका तो 3 ही रिजल्ट आया है, 3 ही मतलब मेरिट लिस्ट आया है, मेरिट लिस्ट आया है 3 ही बच्चों का, मतलब 2 फिर से खाली चली गई। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय कैटेगरी का और एजेंट कैटेगरी का वो सीट खाली रह गया, तो 2 उसके लिए बैकअप रखा गया था। तो इसलिए कई बच्चे कन्फ्यूज हैं कि अरे 5 था 3 ही क्यों आए, इसलिए 3 आया है। उसी तरह सारे कैटेगरी में सेम किया गया है। तो OBC में भी अगर आप देखें, OBC के भी 4 और 1 5 थे, लेकिन इसमें भी OBC के भी 3 कैंडिडेट का ही लिस्ट में नाम आया है ना, लिस्ट में नाम आया है। तो उनका भी सेम हुआ है, एक एम्प्लॉय कैटेगरी और एक एजेंट कैटेगरी का इनका ले लिया, वो खाली रह गया है, नील नील कर दिया गया है उसका सेक्शन। अगर आप देखेंगे वो नील कर दिया गया है, अगर आप इस सेक्शन यहाँ के हैं तो इस तरह के देखें तो वो सीट खाली ही चला गया है, समझ भरा नहीं गया है। और जो जिनका हुआ है 3 कैंडिडेट का, OBC हो या SC हो या जनरल में भी बहुत ही कम सीट हुआ है, सिर्फ ST का बहुत ज़्यादा मेरे आया है, तकरीबन 30 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो देखिए अब जो है इनकी बात तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब ये ज्वाइनिंग कितना करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं क्लियर कर दूँ एक बार कि इसमें जो है बहुत ही हैवी अमाउंट है, 3 लाख का बॉन्ड जो कि बहुत ही हैवी अमाउंट है। अगर आप दूसरे जॉब में कहीं हो जाते हैं तो 5 साल का इसका टर्म है, 4 से 5 साल का लमसम, तो आपको बॉन्ड भरना पड़ जाएगा। और दूसरा जो मेन क्राइटेरिया है कि ये फिक्स जॉब नहीं है, मतलब फिक्स जॉब नहीं है मतलब ये गवर्नमेंट है लेकिन आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है अगर आप टारगेट नहीं कंप्लीट करें तो, है ना। तो इसके कारण बहुत से बच्चे जो इनका सिलेक्शन हुआ हो सकता है वो ज्वाइन ना करें, हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी है तो वो कर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ
हर एक बार LIC के साथ ADU में खासकर ऐसा ही होता है, क्योंकि अच्छे बच्चे जो कैंडिडेट है वो लेफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो परमानेंट जॉब नहीं ले लेते हैं, क्योंकि इनका फिक्स वो ये जॉब है नहीं, आपको टारगेट बेस्ड जॉब है, मार्केटिंग फुल जॉब है, मार्केटिंग फील्ड वर्क भी ज़्यादा है, तो छोड़ते हैं। इसीलिए 25,000 पहले था, तो 25,000 दे के कोई भी बच्चा आराम से छोड़ देता था, इसलिए इसको 3 लाख कर दिया गया। अभी आप छोड़िए, कम से कम 3 लाख कंपनी को देके जाइए। तो ये है, तो आप वेट कर सकते हैं, अपने वेटिंग लिस्ट में आपका नाम हो तो 6 महीने के बाद, जनरली टाइम पीरियड लेती है, 6 मंथ के बाद आपको वेटिंग लिस्ट में आएगा, तो नहीं तो फिर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये था कुछ LIC ADO के बारे में। आशा है वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कर सकते हैं। धन्यवाद।